तो गाइज यूपीएससी कम्युनिटी के लिए पूरा जून का महीना 2023 में शोक और सरप्राइजेस से भरा रहा। सरप्राइज का कारण ये था कि यूपीएससी ने पहली बार, ठीक है, बहुत सारे प्रेशर में आकर के, स्पेशली जुडिशरी के प्रेशर में आकर के प्री मेच्योरली एकदम, ठीक है, नॉर्मली यूपीएससी का टाइम होता है कि 19-20 दिन के आसपास वो जो है रिजल्ट निकालते हैं। 13 डेज के अंदर उन्होंने यूपीएससी का रिजल्ट निकाल दिया था यूपीएससी ने, ठीक है, 2023 में जून के महीने में। दिस वॉज ए सरप्राइज शॉक वॉज सीसेट, ठीक है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि जून महीने में सबसे ज्यादा एस्पिरेंट किस वजह से रोया होगा, वो इस वजह से कि बहुत सारे लोग इस साल सीसेट में फेल कर गए थे। सीसेट की डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ती जा रही है और वो अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस बात को चैलेंज भी किया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, हालांकि फिर पिटिशनर्स उसमें अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे और जिसकी वजह से केस वो हार भी गए। एंड देन इस साल भी अभी रिसेंटली जंतर मंतर वगैरह में इस पे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। आई डोंट नो कि इन सारे प्रोटेस्ट का यूपीएससी पे कितना फर्क पड़ेगा। मेरा तो अपना ये अजम्पशन है कि भैया यूपीएससी इज एन ईगोइस्टिक इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली, एंड व्हेन यू बीट देम इट हर्ट्स देयर ईगो। जब जितना आप उन्हें तंग करेंगे, ठीक है, जितना पोकिंग करेंगे उतना उनकी ईगो हर्ट होती जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, इतना वर्स्ट कि भैया मान लो अगर सीसेट इस साल के जितना या इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट और आ जाए तो भी, ठीक है, उसे डील करने के लिए इस तरीके से कि आपका जीएस की प्रिपरेशन भी ना छूटे और सीसेट भी साथ में कवर होता जाए, इस वीडियो में हम इसी चीज की बात करेंगे। व्हाई दिस वीडियो, ठीक है, ये मेरे अपनी अभी तक की डिटेल्स हैं, अपनी अभी तक की जानकारी है। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में। मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नाम यहाँ पे, ठीक है, अपना इस तरीके से ये नाम अपना यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। राइट, मेरे 2021, 2022 और 2023 ये 3 अटेम्प्ट रहे हैं। इनमें से 2 अटेम्प्ट मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है, और इसमें सीसेट भी क्लियर हुआ है, तभी क्लियर हुए होंगे। ये मेरा 2021 का रिपोर्ट कार्ड है, मैंने खुद सीसेट के दर्द को झेला हुआ है। दिस इज माय सीसेट का स्कोर और 0.17 मार्क्स से मैं सीसेट में डिसक्वालीफाई हो गया था, ऑल दो मैं अपने जीएस में वहां पे फुल्ली क्वालिफाई हो रहा था अपनी कैटेगरी से। राइट, कैटेगरी इज ईडब्ल्यूएस एंड ईडब्ल्यूएस की उस साल की कट ऑफ थी अराउंड 80, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा था। बट फिर सेकंड अटेम्प्ट में अगेन एक क्वेश्चन से मेरा सीसेट निकल गया, समझ रहे हो, 1.5 क्वेश्चन से सीसेट क्लियर हुआ है। और इस साल भी मैं खुद एकदम एज पे था सीसेट की वजह से ही। आई एम स्कोरिंग दिस ईयर आल्सो, आई एम स्कोरिंग 110 प्लस, ठीक है, इन अ रेंज बिटवीन 105 एंड 120 के आसपास मेरा इस साल का स्कोर बन रहा था। एंड अगेन सीसेट में एज में था, आई डोंट नो किस तरीके से क्लियर हुआ होगा, ये अब अगले साल पता चलेगी। लेकिन मेरी स्पेशली इस साल और पिछले साल सीसेट को तैयार करने की अपनी क्या स्ट्रेटजी थी, मैं उसको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले जरा एनालिसिस करके देख लेते हैं, जरा ब्रेकडाउन करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में उन लोगों के लिए जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, बार बार सीसेट में फेल हो रहे हैं, भैया जब ये चार्ट देखोगे ना, ये 2022 तक का ही है, 2023 में तो, ठीक है, सारे अपने ट्रेंड से बाहर था, 2023 का पेपर उसे हम यहाँ पे कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। बट ये ऑलरेडी मुझे कहीं पे पड़ा हुआ मिला और दिस इज द चार्ट कि भैया एक ये देख लो कि बाइलिंगुअल जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आप पाएंगे कि ये अपने लेवल से, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है, नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि कम से कम भाई 30-32 तो आप पैसेज दो। 2020, 2021, 2022 क्वेश्चंस, ठीक है, बार बार इसमें रिड्यूस हुए हैं। ये देखो अराउंड 30 है ना, 20 अराउंड 30 के आसपास इससे पहले रहते थे और ये पैसेज इससे पहले काफी इजी टू इंटरप्रेट हुआ करते थे। ये जो अब 2020, 2021, 2022 में इन्होंने पैसेज घटाए हैं और 2023 में भी अराउंड 28 पैसेज ही थे। राइट, और इनकी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दिया गया है, इंटरप्रिटेशन में काफी एरर आते हैं। राइट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनमें हो सकता है कि यूपीएससी भी डबल आंसर अपना दे। और एक इंपॉर्टेंट बात, पहले आता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्योंकि इस पे काफी डिस्प्यूट हुआ कि सिर्फ इंग्लिश का ही कॉम्प्रिहेंशन आप क्यों दे रहे हैं, इसके भी अलग से, इंग्लिश के अलग से क्वेश्चन आते थे, अब इसे तो हटा ही दिया गया है, सिर्फ इंग्लिश का नहीं अब पूछ रहे हैं। ये देखो इधर जो बेसिक न्यूमरेसी वाला आपके जो क्वेश्चन हैं, ये इतने इंक्रीज हुए हैं नंबर सिस्टम वगैरह पे 2022, 2021, ठीक है, ये नंबर सिस्टम पे
भैया सिर्फ बेसिक न्यूमरेसी में बहुत सारी अदर चीजें भी आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं, राइट, और क्या तरीका होना चाहिए। सारी चीजें नहीं पढ़नी है, कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है। तो बेसिक न्यूमरेसी में आपका नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा, ये जो नॉर्मल सी आपकी जो चीजें हैं, बेसिक सी चीजें, स्पेशली इसमें भी इन 2 सालों में, तो स्पेशली 2022 में भी नंबर सिस्टम से 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन आए थे जितना मुझे याद है, एक ही टॉपिक से, राइट। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर अच्छे से हम फोकस करें तो डेफिनेटली हम, ठीक है, मैथ्स पार्ट जो मैथोफोबिया है सी सेट का, उस मैथ्स पार्ट को हम अच्छे से डील कर सकते हैं, इतना अच्छे से कि कट एटलीस्ट हम कट ऑफ के बिल्कुल बाहर तो ना हो जाएं, 60 नंबर तो ना आए, है ना, खड़े हों भी तो 66 के आसपास खड़े हों कहीं। और कोशिश तो भाई, ठीक है, सी सेट में अब मैं ये कहता हूँ भैया काहे को रखना है 60 या 70 का स्कोर, काहे रखना है, अब जो है भैया अच्छा प्रिपेयर कर दो इतना कि, ठीक है, डायरेक्ट मान लो किस्सा खत्म कर दो यार, 90+ आ जाए, ठीक है, 85 के प्लस आ जाए, इसके आसपास आ जाए, ताकि टेंशन माने ना रहे आदमी। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने खुद कम से कम, ठीक, कम से कम 15-20 दिन इस साल इसी चक्कर में वेस्ट किए थे, प्रीलिम्स के बाद के जो 13-14 दिन थे, इसी चक्कर में कि सी सेट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उसी सोच में, फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता है जब आपको पता हो कि हाँ प्रीलिम्स हो सकता है क्लियर हो या हो सकता है ना क्लियर हो, राइट। वो जो जब आप डाउट में रहते हैं तो दैट इज अ, ठीक है, वेरी डेट्रीमेंटल फेज इन योर प्रिपरेशन। उस टाइम आप उन 15 दिन में मेंस का बहुत सारी चीजें, पूरा एक ऑप्शनल का एक बुक आप कवर कर सकते थे बहुत अच्छे से, राइट। देन ये रीजनिंग देखो, रीजनिंग का पोर्शन भी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, ये एक, ठीक है, यूपीएससी के एंड पे एक फॉल्ट है, जो कि रीजनिंग पे ये काफी अच्छे क्वेश्चन देते थे यार पहले, और इन रीजनिंग के मदद से स्पेशली जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो, ठीक है, रीजनिंग डील करना ठीक ठाक ईजी है, राइट। PYQ अच्छे से कर लो रीजनिंग के, तो नॉर्मली एक ही ट्रेंड पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, बट भाई अब देखो ये रीजनिंग इन्होंने ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। इस साल तो रीजनिंग जो थे वो एक्चुअल में मैथ्स था, इस साल का जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो एक्चुअल में मैथ्स थे, मैथमेटिकल रीजनिंग इन्होंने पूछी हुई है, दिस इज नॉट एनालिटिकल रीजनिंग, इस साल तो बिल्कुल मैथमेटिकल टाइप की रीजनिंग इन्होंने पूछ रखी थी, राइट। तो मैथ्स का जो जो पोर्शन है इसकी वेटेज बहुत बढ़ रही है, हालांकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में ही ये ऊपर नीचे वेरी हुआ है, बावजूद इसके ये लगभग अपना स्टैटिक रहा है, बट ये रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है ये इन्होंने ड्रास्टिकली कम कर दिए हैं। ऐसे में हम क्या चीज करें, ठीक है, कि है ना, कौन कौन से ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन पे अच्छे से फोकस करो, और मैथ्स के जो ये अराउंड, अगर मैं राउंड फिगर आपको बताऊं तो मैथ्स के अराउंड अराउंड 35-40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्योर मैथ्स वाले, ये उनमें से अगर हम 15-20 क्वेश्चन भी मैथ्स के अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, और सारे जितने भी, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, और सारे जितने भी 27 के आसपास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं इन्हें भी अगर अटेम्प्ट कर लें तो भाई ये बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है, राइट। ये अराउंड 50 क्रॉस जब आप क्वेश्चन कर देते हो नॉर्मली आप कट ऑफ को पार कर जाते हो, हालांकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 52 दो क्वेश्चन मैंने ओवर अटेम्प्ट कर लिए थे, इस वाले अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे वो एकदम तुक्का मारा, और वो तुक्का भी ऐसा मारा कि, ठीक है, कैलकुलेशन दिमाग में हो गई और मुझे लगा कि यार इतना इजी थोड़ी ना होगा इसका आंसर, दिमाग में जो आंसर आया ब्रेन ने जो प्रोसेस किया, ठीक है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, बिना किसी, ठीक है, कैलकुलेशन किए लास्ट में बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में लगा कि यार ये होना चाहिए आंसर, बट नहीं, दिल कुछ और बोला कि नहीं यार इतना इजी थोड़ी ना होगा आंसर, इतना इजीली कैसे आ गया, इसके बिल्कुल नजदीक वाला होगा, कुछ ना कुछ तो ट्रैप ट्रिप उन्होंने सॉरी कुछ ना कुछ तो ट्रैप उन्होंने छोड़ के रखा है। तो वो जो 2 क्वेश्चन वहां पे मैंने मारे उसकी वजह से अपना ये हाल हुआ, धाराशाही एकदम प्रीलिम्स में। तो ये बदतमीजी भी नहीं करनी है, व्हेन यू आर सॉल्विंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस सॉल्व इट लाइक अ मैथ्स, ठीक है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं घुसेड़नी है, फालतू में अपना कोई, ठीक है, ट्रिकबाजी नहीं चलानी है। जैसे कि आपको अब जो है ना प्रीलिम्स जैसे ही नजदीक आएगा 2-3 महीने के बाद, आपको यूट्यूब में बम्पर वीडियो की एकदम भरमार मिलेगी, जिसमें कुछ बोलेंगे कि हम प्रीलिम्स को प्रिडिक्ट कर देते हैं, कुछ बोलेंगे कि भाई ये ट्रिक लगाओ, ये ट्रिक लगाओ, ठीक है, यहाँ से आपके ये निकलेंगे कुछ, फिर आएंगे अब आएगा सी सेटोफोबिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताए दे रहा हूँ, जो कि आपको ट्रिक्स बताने की कोशिश करेंगे स्पेशली फॉर रीजनिंग,
और स्पेशली फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, कि भैया कॉम्प्रिहेंशन में ये ट्रिकें पढ़ो, ये ऑप्शन पढ़ लिया करो और देखो, और इनको इस बेसिस पे सीधा एलिमिनेट कर दिया करो, इवन बिना किसी कॉम्प्रिहेंशन पढ़े। आपको इन किसी भी चीज में बह नहीं जाना है, याद रखना है आपका सबसे बड़ा सहयोगी दिमाग की गेम में आपका अपना दिमाग होगा। ट्रिकें जो है ये आपको सक्सेस दिला सकती हैं, सकती हैं, देंगी नहीं, समझ रहे हो, सकती हैं देंगी नहीं। अगर आपको श्योर होना है, सर्टेन होना है, तो डेफिनेटली काबिलियत पे भरोसा रखना पड़ेगा, ट्रिकों पे नहीं। इसीलिए जो PYQ का अपना जो रिसर्च प्रोग्राम चलता है भैया, वो रिसर्च पे बेस्ड बेस्ड है, ठीक है। जो जो PYQ अपन कवर कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं, जो नए लर्नर है, ठीक है, नीचे वहां कोई ट्रिक नहीं देखी जाती है, ठीक है। वहां बस ये देखा जाता है कि हाँ लैंग्वेज कैसे पकड़नी है, वहां ये देखा जाता है कि ये जो नया फैक्ट यहाँ पे सामने आया है, ये एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली सिर्फ रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो तो कम से कम वहां से हमारा गलत ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा। इन इन टॉपिक्स के अलावा इसमें एक आधा आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, एडिशन आप कर सकते हो, एक आधा कोई नया टॉपिक जो आपको लगे कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है और इसे मैं एडिशनली कर सकता हूँ। अगर अगर आप, ठीक है, बिल्कुल मैथ से बिल्कुल डरते हैं और एकदम समाप्त है मैथ में, धाराशाही है, तो मिनिमम ये कर लेना, मिनिमम नहीं, मैं तो ये कहता हूँ यही कर लेना, नंबर सिस्टम पे हर साल 10+ क्वेश्चन वो पूछते ही हैं। 2023 एक्सेप्शनल था, और आई डोंट थिंक कि वो 2023 जैसी बदतमीजी, मतलब इतनी बुरी बदतमीजी अगले साल कर देंगे, समझ रहे हो। 2023 डेफिनेटली एक्सेप्शनल था, लेकिन नॉर्मली नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से देख लेना। अभी नंबर सिस्टम होता क्या है ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट ए CSET का टीचर, राइट। मैं आपको बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, और मैं खुद जो बुक रेफर की थी अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए वो ये थी, ठीक है। एक डिस्क्लेमर, मेरा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी प्रमोट करने का यहाँ पे कोई कोशिश नहीं की जा रही है, राइट। तो ये वो रेड वाली जो बुक है RS अग्रवाल, इसकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि भैया इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, समझ रहे हो, और एक ही टॉपिक पे कम से कम 400-500 क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व भी हैं, ठीक है, आप सॉल्व भी उसको देख सकते हैं, और क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी है कि आप वहीं पे अटेम्प्ट कर लो और फिर चेक करो आंसर अपना, और एक सीक्वेंस में दिए गए हैं। सीक्वेंस ये है कि जो लो डिफिकल्टी से हाई डिफिकल्टी की तरफ, और कॉन्सेप्ट को समझाया गया है क्वेश्चन के थ्रू, तो आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कोई मॉक नहीं लगाना पड़ेगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब UPSC जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ्स में, देख लेना कम से कम 15-20 क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा डेटा सफिशिएंट है आंसर के लिए, ठीक है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड वो जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें लास्ट लास्ट में दिए गए हैं, हर एक टॉपिक के लास्ट में। तो इसीलिए मैंने तो ये कवर की थी, और मुझे ये इजी भी लगती है, दूसरी कोई हो सकती है आप रेफर कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे एक दो दो क्वेश्चन वो बनाता ही है। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मैं तो ढूंढ ढूंढ के करता था, दो क्वेश्चन वो डायरेक्शन के देते थे, 2023 में दिए ही नहीं। मैं ढूंढ रहा था यार डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कहाँ है, दो क्वेश्चन हो जाएंगे वहां से, लेकिन इस बार उन्होंने दिए ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन नॉर्मली ये आते हैं, हर साल आते हैं डायरेक्शन वाले, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड क्लॉक। इन 6 टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेना। कवर करने का तरीका यही होना चाहिए कि भैया डेली, राइट, डेली कम से कम आधा घंटा 30 मिनट आप इसमें दे सकते हो, एक टॉपिक में डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता दे दिया या दो दिन लगातार दे दिया, नो, डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहीं से कोर्स ले रहे हो वो भी डेली प्रैक्टिस करनी है। CSET जो है ये आपके एक तरीके से सोच का हिस्सा बनना चाहिए, रीजनिंग आपकी सोच का हिस्सा बनना चाहिए, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपकी सोच का हिस्सा बनना चाहिए। उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है, आज से ही, आज अभी इसी वक्त, ठीक है। ये नहीं छोड़ना है कि हाँ कल कल कल, वो कल कल कभी आता नहीं है, मार्च तक वो कल कभी आता नहीं है। मार्च में जब आप पहला मॉक देते हो फिर भी आपका कल नहीं आता है भैया। ये मॉक में ना नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं, मैंने तो हमेशा देखा है 85 to 95 मेरे मॉक में CSET में आते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि इनके मॉक ऐसे होते हैं। लेकिन ये UPSC में
ठीक है, एकदम इनके अपने हाथ पैर फूल जाते हैं, इनके अपने आंसर सही नहीं आ रहे होते हैं आंसर की से, ठीक है, कम से कम 15-20 क्वेश्चन की वेरिएशन थी इस साल आंसर की में, हर एक आंसर की में। तो इसलिए मैं कहता हूँ डेली इस चीज की प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दो भैया। फिर रीजनिंग का क्या करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन का, इन दोनों के लिए मैं कहता हूँ भैया PYQ है जो यहाँ पे आपकी किंग का रोल प्ले करेगा। रीजनिंग के लिए मैं अलग से, ठीक है, वो जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह की बुक्स रहती है, मैं उसके लिए अलग से आपको ये सजेस्ट नहीं करता। कुछ वीडियो देखनी होगी तो देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना, क्योंकि इस चीज के लिए ये ना बहुत कॉमन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, ये बैंकिंग वाली रीजनिंग नहीं पूछते हैं अभी तक का जितना इनका ट्रेंड रहा है। तो वो कॉमन रीजनिंग से, कॉमन रीजन के थ्रू आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि PYQs के जितने भी, ठीक है, जितने भी PYQs हैं उन्हें अच्छे से लगाओ, 2013 तक प्रैक्टिस करो, रीजनिंग आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो भाई PYQ ही, इसके अलावा कोई दूसरी चीज कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं कहता हूँ रेफर भी मत करना, है ना। प्राइवेट कोचिंग आंसर को जो इनके जो टेस्ट सीरीज होती है उसे तो बिल्कुल रेफर मत करना, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए, क्योंकि इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन बहुत खराब होती है, समझ रहे हो। तो इस चीज पे, और हाँ, अगर आपको, ठीक है, कहीं से मतलब इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, ठीक है, बहुत सारी वीडियो सीरीज यहाँ पे देखिए, 24 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग पे, ठीक है, सी सेट ऑफ, सी सेट फियर, ठीक है, सी सेट तो हलवा है ये, मतलब फालतू है ये, क्लिक बेटर बनाने पड़ते हैं इस तरीके से। लेकिन आप देखेंगे पिछले साल मैंने ये वीडियो की सीरीज एक पूरी अपलोड कर रखी थी, हो सकता है आपको ये हेल्पफुल रहे। मुझे बहुतों के टेस्ट टेक्स्ट आए कि हाँ भैया लास्ट मिनट में कईयों को ये हेल्पफुल रही, मुझे भी लगे, ठीक है, जब ये इस चीज का एनालिसिस हुआ है, और ये बिल्कुल एकदम लाइव प्रैक्टिस की तरह यहाँ पे ये चीजें देखी गई है कि हाँ कॉम्प्रिहेंशन को इंटरप्रेट कैसे करें बेसिकली, समझ लो। तो इस चीज को आप फॉलो भी कर सकते हैं और ये डेफिनेटली और भी आएगी, ठीक है। मार्च के बाद कॉम्प्रिहेंशन पे हम फिर से फोकस करेंगे भी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ बहुत सारी चीजों के लिए, अभी मुझे पर्सनली उतना मतलब टाइम नहीं लग रहा है, कई सारी चीजों में बिजी हूँ। बाकी जो वो बाकी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं बिजी हूँ वो धीरे धीरे आपको रिवील होती रहेगी, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग गाइस। ये बनाना हमें नहीं आता इसीलिए सिंगल है, हक से सिंगल। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, कर लेना, बाकी दुआएं आपके साथ हैं, 24 आपका है, टेक केयर, बाय बाय।